Subscribe to our channel and press the bell icon for more awesome content. Please subscribe my channel. Hey guys, welcome back to V-Mind. So yeah guys, आज की इस वीडियो में बहुत ही यूनिक वीडियो होने वाली है बेसिकली आईफोन यूजर्स के लिए. यहाँ पे आपको आईफोन में किसी भी तरह का सिक्योरिटी देखने नहीं मिलता है फोटोज़ एप्लीकेशन में. बेसिकली जब तक आपका फ़ोन लॉक है तब तक ठीक है, अगर आप अनलॉक करके फ़ोन किसी को दे देते हो तो आप सामने वाला ईजी तरीके से आपके फ़ोटोज़ को देख सकता है. फ़ोटोज़ आप कौन कौन से सेव करके रखे, आपके क्या पर्सनल फ़ोटो, वो सारे फ़ोटो देख सकता है. तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा फ़ोटो को आप इजी तरीके से हाइड कैसे कर सकते हो आईफोन में. बेसिकली एक एप्लीकेशन है, काफ़ी कमाल की एप्लीकेशन है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. ऐप स्टोर पे अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, काफ़ी ज़्यादा फीचर्स है उस एप्लीकेशन में और 12 MB के अंदर की एप्लीकेशन है. हॉनेस्टली मैं आपको इस ऐप का रिव्यू दूंगा और काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है. आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है फोटोज़ एंड वीडियो हाइप करके कोई एप्लीकेशन रहेगा, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना. देख सकते हो हाइड फोटोज एंड वीडियो हाइडेड प्रो, तो इस तरह का कुछ एप्लीकेशन है. तो यहाँ पे पूरा प्रोसीजर आप पूरा वीडियो एंड तक देखिए तभी आपको समझेगा कि इसमें करना क्या होता है. आपका बेसिकली फ़ोटो डिलीट हो जाता है मेन फ़ोटो एप्लीकेशन से और वो फ़ोटो उठ के अपने इस एप्लीकेशन में चले जाता है जो एप्लीकेशन आपके फ़ोटो को सिक्योर रखता है. तो यहाँ पे मैंने इस ऐप को डाउनलोड कर रखा है, तो फटाफट इस ऐप को ओपन करेंगे. सो गाइस जैसे इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमको एक पिन सेट करने बोलेगा, नया सिक्योरिटी पासवर्ड सेटअप करने बोलेगा. तो यहाँ पे हम सेट करते हैं पिन 123456. तो कंफर्म पिन आपको फिर से पूछेगा, तो 123456 एज इट इज़ आपको वही डालना है जो आपने डाला था. फिर आपको डन करना है, फिर आपको फिर से मेन पासवर्ड में आएगा 123456 आपको डालना है. तो इस एप्लीकेशन में आप इंटर कर जाओगे तो यहाँ पे कुछ चार ऑप्शन दिखेंगे आपको, फ़ोटोज़ नोट्स डॉक्यूमेंट्स एंड सेटिंग्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमको यहाँ पे हाइड करना है फ़ोटोज़, तो फ़ोटोज़ पे क्लिक करना है. यहाँ पे आपको एक एल्बम क्रिएट करना होगा, बेसिकली एक फोल्डर बनाना होगा. तो यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ पर्सनल नाम से कोई फोल्डर और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सेव कर दिया है. और यहाँ पे क्लिक करके उस फोटो एल्बम पे और यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको देखने मिल जाएगा, गैलरी कैमरा एंड आइटम्स. तो यहाँ पे आप बेसिकली गैलरी से फ़ोटो उठाना चाहते हो हाइड करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे गैलरी ओपन हो जाएगा. यहाँ पे आप जो फ़ोटो हाइड करना चाहते हो उस पर क्लिक करना है. तो देख सकते हो कुछ इस तरह से मैं इस फ़ोटो को हाइड करना चाहता हूँ, तो इस फ़ोटो पर मैंने क्लिक किया और डन कर दिया. तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिख कर आ गया है, डिलीट, मतलब ये फ़ोटो डिलीट हो जाएगा आपके फ़ोटोस एप्लीकेशन में से और यहाँ पे आ जाएगा. तो वहाँ पे आप इसको डिलीट कर देना है, डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, बेसिकली फिर आप देख सकते हो यहाँ पे फ़ोटो आ गया. मैं फोटोज़ के ऐप में जाता हूँ, आप देख सकते हो वहाँ पे फ़ोटो है कि नहीं. तो जाते हैं हम फ़ोटो के ऐप में, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे फ़ोटो डिलीट हो गया है वाला जो फ़ोटो हमने वहाँ पे इंपोर्ट किया था. तो इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो सिक्योरिटी यहाँ पे मांगेगा जो आपका पासवर्ड है वो. और अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आप फिंगरप्रिंट भी लॉक कर सकते हो, फिंगरप्रिंट से भी लॉक कर सकते हो, फेस आईडी से भी लॉक कर सकते हो. देख सकते हो कुछ इस तरह का फ़ोटो यहाँ पे आ गया, एज़ इट इज़ क्वालिटी कम नहीं होती है फ़ोटो की, इसीलिए मैं आपको ये ऐप शेयर कर रहा हूँ कि यूज़ करो. कई लोग चाहते हैं कि हम भी अपना फ़ोटो हाइड करें, कुछ किसी का पर्सनल फ़ोटो हाइड कर सकते हो, तो बेसिकली इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो आप. सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये एप्लीकेशन भी आपको पसंद आई होगी. तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलेंगे ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.